हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी गाड़ी के अंदर मोबाइल वगैरह किस तरह चार्ज कर सकते हैं। मेरी गाड़ी है वैगनर VXI मॉडल, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पोर्ट कहाँ पर है। पोर्ट स्टीयरिंग के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा स्टीयरिंग है, इसके नीचे यहाँ पर एक पोर्ट है। इसमें आपको एक चार्जर लगाना है, कंपनी चार्जर देती नहीं है तो आप बाहर से कोई भी चार्जर ले सकते हैं। मैं बताता हूँ मैंने कौन सा चार्जर लिया है। ये चार्जर मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया है, मुझे अराउंड 100 रुपीज़ का पड़ा है। मैंने कार के इंटीरियर से मैच कर दो, ब्लैक एंड वाइट लिया है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ करना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस चार्जर को लेना है, कैप हटाना है और प्रेस कर देना है। इस चार्जर की एक अच्छी बात है, आपकी गाड़ी का वोल्टेज बताएगा, ये 14 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं। आपको अपना नॉर्मल USB लेना है, इसमें दो पोर्ट है, इनमें इंसर्ट करना है और फ़ोन के USB में कनेक्ट कर देना है। तो इसमें कुछ ऐसा टफ काम नहीं है, कार बंद होगी तब भी चार्ज करेगा। अभी मेरी कार स्टार्ट है इसलिए 14 के अराउंड वोल्टेज दिखा रहे हैं। अगर कार मेरी इंजन ऑफ होगा तो ये 12 पॉइंट समथिंग दिखाएगा, 12 के कम है। तो एक बार अपनी बैटरी चेक करा लीजिए, हो सकता है आपकी बैटरी डेड होने वाली हो। तो ये जो मीटर है इस काम में आता है, ये आपको एक तरह से वार्न करता है कि 12 के नीचे आपका वोल्ट आ रहा है तो यानी आपकी बैटरी डाउन होने वाली है और कभी भी धोखा दे सकती है। तो एक बार बैटरी ज़रूर चेक करा लीजिए अगर आपका 12 के ही नीचे आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए।